आता नहीं हूँ लाइव वगैरह, इंटरेक्शन कम ही होता है, सो आई थॉट। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आप सभी को बता दें कि एल्विस यादव और उर्वशी रौतेला का एक न्यू सॉन्ग हम तो दीवाने आ चुका है, एंड वह सॉन्ग काफी ज्यादा धमाल मचा रहा है। उसी बीच आप सभी को बता दें कि इस सॉन्ग पर ऋषभ पंत का रिएक्शन आ चुका है। जी आपने बिल्कुल सही सुना, दोनों ने इस पूरे सॉन्ग के लिए एंड एल्विस यादव और उर्वशी रौतेला के लिए क्या कहा, चलिए भी आपको बताते हैं। तो उसके पहले बात कर लेते हैं इस सॉन्ग के बारे में। तो आप सबको बता दें कि इस सॉन्ग को आए हुए लगभग अभी 1 घंटे हो चुके हैं, एंड इस सॉन्ग पर अभी 8 लाख प्लस व्यूज हो चुके हैं एंड 2 लाख प्लस लाइक हो चुके हैं, जो कि बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड बना रहा है फिलहाल यह सॉन्ग। फिलहाल अब बात कर लेते हैं कि सॉन्ग के सिंगर कौन है। तो आप सबको बता दें कि इस सॉन्ग के सिंगर हैं जसर देसाई, और इस सॉन्ग के लिरिक्स की बात की जाए तो इस सॉन्ग के लिरिक्स लिखी है राणा सोटल ने, एंड इस सॉन्ग का म्यूजिक दिया है रजत ने। तो फिलहाल अब बात कर लेते हैं कि इस सॉन्ग को लेकर ऋषभ पंत ने क्या कहा। तो आप सबको बता दें कि ऋषभ पंत ने सॉन्ग पर कमेंट करते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे ब्रो एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस सॉन्ग, एंड साथ ही उन्होंने 2 रनिंग की इमोजी दी हुई थी और साथ ही उन्होंने हा 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 की इमोजी दी हुई थी। तो इस चीज को देखने के बाद काफी ज्यादा हंसी आ रही कि वो किस तरह इशारा कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि उर्वशी रौतेला और ऋषभ पंत के बीच में काफी कुछ चीजें हुई थी, लेकिन वो कमेंट पर इस तरह का लिखकर क्या कुछ हिंट देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में वो भी जरूर लिखें। साथ ही आप सभी को क्या लगता है कि यह सॉन्ग अभी 24 घंटे में क्या कुछ रिकॉर्ड बनाएगा, कमेंट सेक्शन में वो भी जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, एंड इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है, तब तक बाय।